हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। यार कल जहाँ से मैंने वीडियो एंड की थी, आज वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए, बाकी की जो टेबल रह गई थी और बाकी की जो चीज़ें सेट करनी थी वो सेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जाना आपसे मिलते हैं। यार PS4 मैंने सेटअप कर लिया है और अब मैं बहुत थक चुका हूँ, तो फ़िलहाल जो है ना मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ। जब मैं बाकी चीज़ें सेटअप कर लूँगा तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको बाद में दिखाऊँगा। A few moments later, यार ये मेरा माइक है BM 800 और इसको अभी यहाँ पे माउंट करना है, तो ये इस तरह यहाँ पे माउंट होगा। तो इसको माउंट करके, लेकिन ये तो इसको माउंट करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और यार बहुत टाइट माइक है ये, एक बिगनर लेवल के लिहाज से, और इसलिए भी कि आपको कोई बहुत ज़्यादा एडवांस वर्क काम नहीं करना। अगर आप ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं, अगर आप पॉडकास्ट वगैरह बना रहे हैं, अगर आप टेक वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, अगर आप हेड टू हेड बैठ के जो वीडियोज टॉक हुई वीडियोज होती हैं अगर आप वो कर रहे हैं, तो यार आपके लिए बेहतरीन माइक है। और ये सस्ते में भी मिल जाता है, अच्छा है, और इसके साथ शॉक माउंट भी आता है। और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो किसी और दिन बनाएंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि यार ये बहुत अच्छा माइक है। तो अगर आप में से कोई बिगनर है और माइक लेना चाहता है तो यार कुछ BM 800, मैं इसके बारे में डिटेल में लिखूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर देखना यार। और कभी मुझे टाइम मिला तो इसकी एक डिटेल वीडियो नहीं यार, किसी और दिन नहीं, आज ही आपको। तो यार ये रहा मेरा माइक और ये इसका शॉक माउंट है, ये इसका पॉप फिल्टर है। पॉप फिल्टर अगर आप इसको हटाएं तो पॉप फिल्टर हटाने के बाद ये देखें, चमकता चमकता गोल्डन सा माइक। और पॉप फिल्टर यहाँ लगा लें, पॉप फिल्टर से यार आपकी जो सांसें हैं वो जो है ना थोड़ी ब्लॉक हो जाती हैं, आपके साउंड में नहीं जाती। और इसके साथ ये है XLR 2 3.5 mm की केबल, XLR 2 3.5 mm केबल जो है ना ये आपकी जाके एक साउंड कार्ड में लगती है। ये रहा इसका V8 साउंड कार्ड, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है V8 साउंड कार्ड की, लेकिन क्योंकि मुझे शौक हो रहा था यार साउंड कार्ड के साथ लगाने का, तो मैंने साउंड कार्ड लगी है। लेकिन ये बगैर साउंड कार्ड के भी चल सकता है। अगर आपको साउंड कार्ड चलाना है तो आप V8 के अलावा एक USB साउंड कार्ड आता है, उसके साथ भी आप चला सकते हैं। और ये इसका स्टैंड है, स्टैंड भी जो है ना साथ इसके बॉक्स में आया था, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे माउंट हुआ है, तो यार ये इसका माउंट मैंने यहाँ सेटअप कर लिया है। अब इसके अंदर जो है ना ये माइक इस तरह यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है। और अब इसका स्क्रू जो है वो यहाँ पर इस तरह लगा। 2000 years later. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यार सीनियर के जो है ना इस वक्त मैं तैयार हुआ हूँ, हमारे घर को गेस्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम मैंने आज ईद के कपड़े पहने भाई। इस ईद पे मैंने ईद के कपड़े ही नहीं पहने थे क्योंकि पूरा दिन तो मैं काम करके गुजार देता था ऑफिस का, तो अब मैंने ईद के कपड़े पहने आज और हमारे घर गेस्ट टाइम है। A few moments later. हेलो जी, यार तो इस वक्त बज रहे हैं रात के 12 और गैस चले गए, और गैस जाने के बाद, गैस के साथ मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया था, लेकिन गैस जाने के बाद मुझे दोबारा से भूख लग गई है। अब तो ये रहा खाना, खाने में आज बना था भाई बिरयानी और ये चटनी कबाब, और इसके बाद केक भी है। तो जल्दी से खाना खाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। यार ये केक देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, तो इसको खाते हैं और मज़े से खाते हैं,
उसके बाद फिर आपसे मिलता है। यार केक बहुत मजे का था, बहुत मीठा हो रहा था, लेकिन चीनी अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा हो रहा था और रात में ज़्यादा मीठा खाना नहीं चाहता था, कैविटीज ना हो जाए इसलिए, तो मैंने थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा रख दिया, थोड़ा सा अच्छा लगा कि खाऊँगा। और यार केक था भाई यूनाइटेड वाले का, और इस तरह के डब्बे में पैक आया था और बहुत बहुत लगे। तो यार इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यार BM 800 आप लोगों को कैसा लगा, और इसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार।